अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब ठीक होंगे। आज के लेक्चर में बच्चे हम एक्सरसाइज 2.2 जो है वो सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट की थी। उसके जो सेक्शन नंबर 1 है, उसके फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, 6 क्वेश्चंस इसके रिमेनिंग है, वो हम आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 80,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली। अब जो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो प्रिंसिपल की अमाउंट गिवन है। प्रिंसिपल जहाँ पर आप लोगों को जो गिवन है वो है 80,000 रुपीज, और इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पर गिवन है, 3 ईयर्स है। और साथ ही आप लोगों को जो है वो आई की वैल्यू जो है वो भी गिवन है। आई यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है वो है 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक हो गया। अब यहाँ पर बच्चे क्वार्टरली का मतलब है कि एक साल में 4 दफा आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा। एक साल में जो है वो 4 दफा इंटरेस्ट मिलने का मतलब ये है कि अगर आप लोग जो है वो एक साल में 12 माह होते हैं, इट मींस कि हर 4 माह के बाद जो है वो आप लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है बच्चे 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक हो गया। अब इसको हम लोग जो है वो डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर, तो 8% को हम 4 के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 2% आ जाएगा। और 2% को जब हम सॉल्व करेंगे, 2 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.02, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारे पास एन जो है वो 3 ईयर्स है, इसको हम क्वार्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। क्वार्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए बच्चे हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो है वो 12 क्वार्टर्स आ जाएंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने जो था जब डेफिनेशंस डिस्कस की थी, और जो इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन है उसमें हमने कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी डिस्कस किया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो इक्वल होता है पी इंटू 1 प्लस i के पावर n -1, यानी कि पी यहाँ पर प्रिंसिपल को शो कर रहा है, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट को, आई जो है वो इंटरेस्ट रेट को शो करता है, एन जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स को शो करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं वो हम इस फॉर्मूले में बच्चे पुट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी की जगह पर हम लोग जो है वो 80,000 इसकी वैल्यू पुट करेंगे इंटू 1 प्लस i की जगह पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे। i की जो वैल्यू हमने यहाँ पर जो है सॉल्व करके निकाल ली है वो है हमारे पास 0.02। और बच्चे यहाँ पर n की जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमारे पास 12 क्वार्टर्स आए हैं, इसलिए हम जो है वो 12 पुट करेंगे n की जगह पर -1। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो सी आई इज इक्वल टू 80,000, और ये जो ब्रैकेट है इसमें जब हम 1 को ऐड करेंगे 0.02 के साथ तो हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.02, ठीक हो गया। 1.02 के पार जहां पर हमारे पास आ जाएगी 12 -1। अब 1.02 को जब हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर्स के ऊपर, आप लोग जो है 1.02 की पावर जो है 12 लेंगे, तो और उसमें से जो वैल्यू हमारे पास फाइनल आंसर आएगा उसमें से 1 जो है वो माइनस करेंगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.02682, ठीक हो गया। अब बच्चे इसमें से आप लोगों ने क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है हमारे पास 80,000 को ये वाला जो हमारे पास आंसर आया है 0.02682 इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो रुपीस में आ जाएगी, और जो वैल्यू आएगी वो आएगी 21,456 रुपीस। क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड प्रिंसिपल डेट एक्यूमुलेट्स टू रुपीज 1200 इन 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यहाँ पर आप लोगों ने प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करनी है, जबकि आप लोगों को ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ए की वैल्यू जो गिवन है वो है 1200, और नंबर ऑफ ईयर्स भी आपको गिवन है वो है 2 ईयर्स, और इंटरेस्ट रेट की वैल्यू भी गिवन है जो कि 10% पर एनम। पर एनम मीन्स के एक साल के बाद जो है आप लोगों को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट यहाँ पर मिलेगा। तो जो क्वेश्चन में आप लोगों को डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली पी की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू आप लोगों को जो गिवन है वो है 1200, आई की जो वैल्यू है वो है 10% पर एनम। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 10 को आप 100 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.10।
नेक्स्ट वन आप लोगों को नंबर ऑफ ईयर्स की वन है, तो एन इज इक्वल टू 2 ईयर्स आप यहाँ पर जो है वो लिखेंगे। अब जो है वो फॉर्मूला लगाकर आप इसको सॉल्व करेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे, उसमें हमने अक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला जो है वो भी डिस्कस किया था कि ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस i की पावर n। तो यहाँ पर बच्चे हमारे पास ए की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 1200, हम ए की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1200। पी जो है पी की अमाउंट हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर, इसलिए पी जो है वो एज इट इज ही हम क्वेश्चन में लिख देंगे। और आई 1 प्लस i, तो 1 प्लस i की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। i की वैल्यू जो हमने यहाँ पर सॉल्व करके फाइंड आउट की है वो है 0.10, यहाँ पर हम i की वैल्यू पुट कर देंगे। और n की जो वैल्यू है वो हमें नंबर ऑफ ईयर्स 2 गिवन है, तो हम n की जगह पर 2 पुट कर देंगे। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1200 इज इक्वल टू p इंटू, यहाँ पर बचे ब्रैकेट में जो 1 प्लस 0.10 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा 1.10 और पावर जो है वो इसकी 2 हम लिखेंगे। अब जो है वो इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास p जो है p को एक साइड पर रहने देंगे और p के साथ चूंकि 1.10 की पावर 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब हम इसको इक्वल की दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये जो है इक्वल की दूसरी साइड पे जाकर डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगी ये वैल्यू। तो 1200 को हम डिवाइड कर देंगे 1.10 की पावर जो है वो 2 इज इक्वल टू पी। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 991.74। तो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो हमें फाइंड आउट करनी थी, जो रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन में, वो उसकी वैल्यू आई है p इज इक्वल टू ₹991.74। क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंसिपल इज इक्वल टू p, एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज इक्वल टू 2p, पीरियड जो आपको गिवन है वो है 4 इयर्स, रेट आप लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, और आप लोगों को जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हम देखें तो जो क्वेश्चन में आप लोगों को डाटा गिवन है उसके अकॉर्डिंगली हम पी जो है वो पी के इक्वल ही लिखेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल जो गिवन है वो आप लोगों को पी के इक्वल ही क्वेश्चन में गिवन है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट को हम ए से बचे शो करते हैं और वो आप लोगों को यहाँ पर गिवन है 2p, तो हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 2p। और i की वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट करेंगे इसमें, क्योंकि आप लोगों से जो रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में वो आपने रेट फाइंड आउट करना है और i जो है वो इंटरेस्ट रेट को शो करता है, तो i हम लोग इस क्वेश्चन में फाइंड करेंगे। और आप लोगों को पीरियड जो गिवन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो है 4 इयर्स, तो टाइम पीरियड जो है उसको हम n से शो करते हैं, n हम लिखेंगे इज इक्वल टू 4 इयर्स। यहाँ पर हम बचे एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फार्मूला पुट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यहाँ पर पुट नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोगों को डाटा के अकॉर्डिंग जो है वो अक्यूमुलेटेड अमाउंट जो है वो भी गिवन है। और अगर हम सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर लगाएं तो उससे डायरेक्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर जो है वो अक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला पुट करेंगे, इससे ये क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। तो ए का जो फॉर्मूला है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस i की पावर जो है वो n है, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, ए की जगह पर हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2p। पी जो है वो सेम हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो पी के इक्वल ही है यहाँ पर, और ब्रैकेट में जो है वो 1 प्लस i है, तो i की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट करनी है, i वैसे ही सेम इसी तरीके से हम लिख देंगे। और n की जो वैल्यू है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो 4 इयर्स है, तो n की जगह पर हम 4 की वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर बच्चे आप देखें तो 2p इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस i की पावर जो है वो 4 है। अब p जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है ये जो ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं इनके साथ, इन वैल्यूज के साथ, तो यहाँ पर अगर हम p को दूसरी साइड पर मूव करना चाहें तो चूंकि p जो है वो इस साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो p को जब हम इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 2p डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू 1 प्लस i की पावर जो है वो 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर p जो है वो p से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ऊपर हमारे पास 2p है और डिवीजन के बाद जो है अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो वो भी हम p के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो p जो है p से कट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाएगी, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस i की पावर जो है वो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 4 बचे कैंसिल आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हम इक्वल की एक साइड पे जो हम प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं इक्वल की दूसरी साइड पे भी सेम हमें वही प्रोसेस जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर जो है वो 4 को
कैंसिल करने के लिए हमको 1/4 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो दो इक्वल की दोनों साइड्स के ऊपर हम पावर जो है वो 1/4 लेंगे। यहाँ पर हम 2 के पावर जो है वो भी 1/4 लेंगे, इज इक्वल टू 1 + i की पावर 4 था, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से। तो यहाँ पर बच्चे ये जो 4 है ये 1/4 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिंपल जो है वो यहाँ पर रह जाएगा 1 + i, और यहाँ पर 2 की पावर जो है वो 1/4 था। कैलकुलेटर के जरिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों के पास वैल्यू आ जाएगी 1.1892। अब 1.1892 इक्वल आ जाएगा 1 + i के। यहाँ पर बच्चे i जो है वो प्लस हो रहा है वन के साथ, ठीक है, वन और आई दोनों में जो है वो प्लस का साइन है। अब अगर हम लोग जो है वो वन को इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये चूंकि प्लस हो रहा है तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा। तो 1.1892 में से जब हम माइनस कर देंगे वन को तो हमारे पास जो है वो आई की वैल्यू आ जाएगी, और जब हम जो है वो बच्चे इसको माइनस करते हैं 1.1892 में से वन को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास आई की वैल्यू आएगी 0.1892। और इंटरेस्ट रेट हमेशा बच्चे जो है वो परसेंटेज में होता है, इसलिए हम 0.1892 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से ताकि हमारे पास जो आई की वैल्यू है वो परसेंटेज में इसकी वैल्यू आ जाए। तो हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आई का 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। यहाँ पर आई की जो वैल्यू परसेंटेज में आई है वो आई है 18.92%, यानी कि आई इज इक्वल टू 18.92%। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए इज इक्वल टू 2p एट द रेट ऑफ 8% पर ईयर। अब बच्चे यहाँ पर आप लोगों को ए की वैल्यू जो है वो गिवन है, और ए की वैल्यू यहाँ पर आपको जो गिवन है वो है 2p, और आप लोगों को आई की वैल्यू भी गिवन है, आई की वैल्यू है 8%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 8 को 100 पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर आई की वैल्यू आ जाएगी 0.08। यहाँ पर बचे आप लोगों ने नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो फाइंड आउट करने हैं, और पी आप लोगों का प्रिंसिपल जो है इसको हम पी के इक्वल यहाँ पर जो है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम यहाँ पर एक्यूमुलेटेड अमाउंट फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो गिवन है इस क्वेश्चन में, हमारे पास आई की वैल्यू भी गिवन है, पी जो है वो पी के इक्वल है, और एन जो है वो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट का जो फॉर्मूला लगाएंगे जो कि ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i की पावर जो है वो एन है, इसमें हम फॉर्मूले में जो है वो वैल्यूज पुट कर देंगे। ए की वैल्यू 2p के इक्वल आ जाएगी, प्रिंसिपल पी की जगह पर हम पी पुट करेंगे, 1 + i की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे इसकी 0.08, और पावर जो है वो हम एन लिख देंगे। और एन जो है चूंकि हमारे पास एन की वैल्यू नहीं मौजूद इसलिए हम एन की जगह पर एन ही लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चे पी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + 0.08 की पावर n के साथ, जब हम इक्वल के दूसरी साइड पर इसको मूव कर देंगे तो यही पी जो है वो 2p पे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 2p डिवाइडेड बाय p इज इक्वल टू 1 + 0.08 की पावर n जो है ये आ जाएगा हमारे पास। अब हम p जो है वो p के साथ कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 रह जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 1.08 की पावर n, ठीक हो गया। अब बचे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो है वो इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए हम लॉग लेंगे। तो यहाँ पर हम जो है वो 2 का लॉग लेंगे, और जो है वो इस साइड पर जब हम लॉग लेंगे 1.08 की पावर n का लॉग लेंगे तो n जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा n log 1.08। तो यहाँ पर जब हम कैलकुलेटर के जरिए जो है वो लॉग लेंगे और इन दोनों वैल्यूज को जो है वो डिवाइड कर देंगे तो फाइनल हमारे पास n की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 9 ईयर्स। तो बच्चे यहाँ पर आपने याद रखना है कि n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, अगर आप लोगों को जो है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है, आप लोगों ने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमेशा आप लोगों को लॉग लेना पड़ता है, और अगर आप लोगों को जो है वो i की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो यानी कि इंटरेस्ट रेट आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा हो तो हमेशा आप लोगों को फिर जो है वो पावर लेनी पड़ती है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में, ये जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है उसमें हमने इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट किया, तो उसमें हमने जो है वो पावर 1/4 पावर जो है वो दोनों साइडों पर ली ताकि हम 4 को जो है वो कैंसिल आउट कर सके। और अगर हम लोगों ने n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमेशा हमको लॉग लेना पड़ता है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास जो n की वैल्यू आई है वो आई है 9 ईयर्स। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द डिफरेंस इन टू इंटरेस्ट बोथ चार्ज ऑन रुपीज 2000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। बट यहाँ पर आप लोगों ने जो है वो दो इंटरेस्ट फाइंड आउट करने हैं, इंटरेस्ट की दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और दोनों ही वैल्यू जो आप लोग फाइंड आउट करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट जहाँ पर आप लोग जो है वो उन दोनों के लिए जो है वो 2000 ही लेंगे, और आप लोगों को जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर गिवन है वो है 10%, और नंबर ऑफ ईयर्स आप लोगों के पास है 5 ईयर्स। इन सारी तीनों वैल्यूज को जो है वो यूज करते हुए आप लोगों ने जो है वो इंटरेस्ट की दो वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है और फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बच्चे इंटरेस्ट की दो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए एक तो आप लोग जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के जरिए फाइंड आउट करेंगे वैल्यू, और दूसरी जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और फिर उनका डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमने बच्चे ये जो चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व की है वो हमारी जो थी वो सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड थी, जिसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो था वो देखा था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PIN के इक्वल होता है। यहाँ पर बच्चे आप लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है 2000, आई की वैल्यू भी गिवन है 10% और एन की वैल्यू भी गिवन है 5। सिंपली हम ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 2000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 5। जब आप इन तीनों वैल्यूज को बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में इनको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों के पास यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी 1000 रुपीज। नेक्स्ट वन बचे आप लोगों ने क्या करना है, इसमें आप लोगों ने जो है वो इन्हीं तीनों वैल्यूज को यूज करते हुए जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला सबसे पहले आप पुट करेंगे यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आप लोगों के पास इक्वल है पी और ब्रैकेट में 1 + i^n - 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पर बचे आप लोग जो है वो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी की जगह पर हम पी की वैल्यू पुट कर देंगे 2000 और ब्रैकेट में हम लोग जो है वो 1 + i की जगह पर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, i जो है वो हमारे पास 10% के इक्वल है। इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, 10 को 100 के ऊपर डिवाइड करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, और n की जगह पर बचे हम 5 वैल्यू पुट कर देंगे -1, ठीक हो गया। अब जो है वो नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं इनको सॉल्व करने के बाद इसकी पावर जो है वो 5 लेनी है, और जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू में से हमने 1 जो है वो माइनस कर देना है। तो हमारे पास जहां पर जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी इस सॉल्व करने के बाद इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को, वो आएगी 0.61051। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2000 के साथ, तो फाइनल जो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी रुपीज 1221.02। तो यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट के जरिए भी जो है वो इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए भी इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में वो हमने डिफरेंस फाइंड आउट करना है इन दोनों वैल्यूज का। तो रिक्वायर्ड डिफरेंस इज इक्वल टू कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, बट यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू आई है 1221.02, उसमें से माइनस कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 1000, हमारे पास फाइनल जो डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा रुपीज 221.02, ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप लोगों ने इस तरह से सॉल्व करना है कि आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के जरिए भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और बाद में इन दोनों का आपने डिफरेंस ले लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट अर्नड फॉर रुपीज 5000 इन्वेस्टेड फॉर 6 ईयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 7% पर एनम। यहाँ पर बच्चे आप लोगों को तीन जो है वो वैल्यूज गिवन है क्वेश्चन में, पी की वैल्यू गिवन है, आई की वैल्यू गिवन है, और एन की वैल्यू गिवन है, और आप लोगों से रिक्वायर्ड है कि आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पी की वैल्यू जो गिवन है आपको क्वेश्चन में, पी इज इक्वल टू रुपीज 5000, और इसके अलावा आप लोगों को इंटरेस्ट रेट गिवन है, इंटरेस्ट रेट आप लोगों के पास 7% है, और जो है वो एन की वैल्यू जो गिवन है, एन की वैल्यू है आप लोगों के पास 6 ईयर्स। इन तीनों वैल्यूज को हम यूज करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले में पुट करेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास होता है कंपाउंड इंटरेस्ट C.I इज इक्वल टू P और ब्रैकेट में 1 + i^n जो है वो n - 1। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देंगे तो पी की जगह पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 5000 और ब्रैकेट में हम लोग जो है वो आई की जगह पर बच्चे 7% इसकी वैल्यू पुट करेंगे, और एन की जगह पर हम लोग जो है वो 6 वैल्यू पुट कर देंगे, एन की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 6 है इसलिए 6 पुट करेंगे -1। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से बच्चे क्या होगा, 7% को सॉल्व करेंगे तो 7 को हम 100 के ऊपर डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू आएगी यहाँ पर उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी
1.07. अब 1.07 का बचे हम 6% जो है वो कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसमें से हम 1 जो है वो माइनस कर देंगे और हमारे पास फाइनल जो वैल्यू आएगी इस ब्रैकेट को जो वाले पोर्शन को सॉल्व करने के बाद उस वैल्यू का हम 5000 के साथ जो है वो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास जहाँ पर आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹2504. ठीक हो गया, ये आप लोगों से क्वेश्चन में यही रिक्वायरमेंट थी कि आप लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है जो हमने फाइंड आउट कर ली है. तो सेक्शन नंबर 1 जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है आज के लेक्चर में. अगर जो है वो आज के लेक्चर में हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इनमें किसी किस्म का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई इशू है, किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप लोग अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हैं.